आप देख सकते हैं पहाड़पुर एरिया है। ये पहाड़पुर एरिया के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि ये एक वक्त था, एक समय था राजनीति के क्षेत्र में, यहाँ कभी घुराराम इस क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे, हालांकि आज वो दुनिया में नहीं है। और वहीं चिलकहर विधानसभा और रसड़ा विधानसभा दोनों बॉर्डर है। चिलकहर विधानसभा क्षेत्र से राम इकबाल सिंह भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे और वहीं रसड़ा से, रसड़ा सुरक्षित सीट से पूर्व मंत्री घुराराम के विधायक थे। एक पहाड़पुर कांड एक ऐसा दौर था उस समय कि दोनों विधायक आमने सामने रहे, वर्चस्व की लड़ाई रही। पहाड़पुर कांड को लेकर घुराराम और राम इकबाल सिंह में जबरदस्त लड़ाई रही। ये क्षेत्र एरिया जो है पहाड़पुर से जाना जाता है। इसके बाद हम चलते हैं शौरा देवस्थली, देवस्थली विद्यापीठ जो है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के देन है कि आज देवस्थली में एक बड़ा एजुकेशन सेंटर जो है आपको देखने को मिल रहा है। देवस्थली विद्यापीठ में जहां पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रतिमा लगी हुई है, वहीं पर पठन और पाठन बड़े ही बेहतरीन तरीके से होता है। ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है और एक एजुकेशन सोसाइटी है जिसके माध्यम से यहां बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। ये सब एरिया जो है अपना रसड़ा विधानसभा क्षेत्र का पड़ता है। हम आपको देखिए सामने दिखा रहे हैं देवस्थली विद्यापीठ, जो देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की देन है। इस क्षेत्र में इतना बड़ा इतना बड़ा विद्यालय बनकर तैयार है, लोग और शिक्षा ले। देवस्थली विद्यापीठ के अंदर जो है आप मूर्ति देख रहे हैं चंद्रशेखर की, सामने लगी है। वो एरिया पूरा हरा भरा है, काफी इसमें गेस्ट हाउस है, बच्चों के बैठने की पढ़ने की संसाधन बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। एक समय था ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ कभी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपनी जनसभा संबोधित किए थे तो वहाँ कई सारे VIP यहाँ आए हुए थे। सौरा उस क्षेत्र से जाना गया देश में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यहाँ आए और एक अपने पार्टी के माध्यम से यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किए। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में देश स्तर के बड़े नेता भी मौजूद रहे। उनके सामने चंद्रशेखर ने जो संकल्प लिया ये रहा कि देश के हित में हम सभी लोग को मिल के काम करना चाहिए। समाजवादी जनता पार्टी से उस समय बड़े बड़े हस्तियां जुड़ी थी, लेकिन चंद्रशेखर के जाने के बाद, उनकी मौत के बाद पार्टी पूरी तरह से बिखर गई। हालांकि आप उस पार्टी को पुनः जिंदा किया गया है और उस पार्टी को पुनः चालू करने के लिए यहाँ के बलिया के ही निवासी अनिल कुमार सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में सपा उत्तर प्रदेश में किस तरह की छाप छोड़ती है। हम अब तक की खबरों में बस इतना ही छोटी सी रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। अब तक के लिए नमस्कार।